हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जीव विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है ये, और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बायो के जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है, उस कारण को कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। क्या कहा जाता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अब दोस्तों, लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का एक वायरस वो बैक्टीरिया है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों, यह कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, यह स्त्रियों की योनि में और मानवों की आहार नाल में पाया जाता है। इसका आकार जो है दोस्तों, रॉड की तरह होता है, ठीक है। आकार इसका दोस्तों रॉड की तरह होता है। और इसके अलावा यह क्या करता है? यह दूध से दही बनाने में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों, फूट एंड माउथ रोग को हम बोलते हैं मुंह पका या खुर पका रोग। इसको मुंह पका या खुर पका रोग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यह जो रोग है, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, इन पालतू पशुओं में और हिरन, इन जंगली पशुओं में भी होता है दोस्तों। बहुत खतरनाक बीमारी है, संक्रामक रोग होता है, और ये इसी बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस के थ्रू दोस्तों यह बीमारी होती है, विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो दोस्तों, जीवित जीवाश्म हम किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं जिंको को। जिंको को ये लिखा हुआ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये एक अनोखी प्रजाति है जिसका कोई भी नजदीकी जीवित संबंधी नहीं है, ठीक है। इसको दोस्तों अपने स्वयं के ही वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में एसएससी कई बार पूछ चुका है इस प्रश्न को। और जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों रेफ्लेशिया। ऑप्शन सी, रेफ्लेशिया आर्नोल्डी इसका पूरा नाम है दोस्तों। यह जो पुष्प है, ये मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ पर पाया जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। बहुत बड़ा पुष्प होता है, और इसका जो वजन है वो लगभग 10 किलो तक हो सकता है, एक पुष्प का वजन, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता है? तो दोस्तों, वह जो पौधा है, उस पौधे का नाम है साइकस। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। साइकस एक जीनस है, इसमें छोटे तार जैसे पेड़ होते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम साइकेड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना आप, इन्हें आमतौर पर साइकेड कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों, वह है सिकुओ सेम्परविरेंस। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के, ठीक है, का कैलिफोर्निया राज्य की एक जगह है, जहां इसका नाम है सियरा नेवदा, यहां पर मुख्य रूप से मिलता है ये वृक्ष, और दोस्तों ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, केसर मसाला यानी कि सैफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, पौधे का कौन सा भाग लाया जाता है? तो वह भाग होता है वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, वर्तिकाग्र क्या होता है? यदि आपने देखा होगा तो पौधे का जो कुछ डिजाइन है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर इस पोजिशन में जो पाए जाते हैं, इसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। इस बीच वाले हिस्से को वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं दोस्तों, ये भी आप लिखा हुआ है इसमें, स्टिग्मा बोलते हैं दोस्तों। होता क्या है,
पराग्कणों के प्राकोष से निकलकर अंडक के जब वर्तिकाग्र पर जो पहुंचने की क्रिया होती है उसी को हम परागण कहते हैं। दोस्तों पुष्पों में परागण होता है, परागण दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण होता है और दूसरा परपरागण होता है। दोस्तों स्वपरागण तब होता है जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक यानी कि स्टिग्मा तक परागकणों का स्थानांतरण होता है, तो उसे हम स्वपरागण बोलते हैं। दूसरी घटना होती है परपरागण की। दोस्तों परपरागण तब होता है जब एक पुष्प के परागकोष से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है, इसे हम परपरागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्फिरिन होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में जो होता है वो फॉर्फिरिन होता है, मैग्नीशियम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों को हरे रंग का कारण बनता है। ठीक है, और दोस्तों यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है वो हमारा क्या है? ग्लूकोज। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन भी है ये। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने वाले अभिकारक पदार्थ होते हैं, जबकि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थिर यौगिक होता है वो क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों पौधे का जो आर्द्र पतन रोग है वो किसके कारण होता है? वो होता है पिथियम डिबेरियनम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, पिथियम डिबेरियनम। ठीक है दोस्तों, पौधे में जो आर्द्र पतन रोग है उसका मुख्य प्रभाव पौधों के अंकुरण के समय देखने को ज्यादा मिलता है। इस रोग के लगने की वजह से जल भराव और गर्म मौसम होता है, और गर्म मौसम में जल भराव की वजह से ये रोग अधिक क्या होता है? पनपने लगता है। ठीक है, इससे प्रभावित जो बीज होते हैं उनका अंकुरण नहीं हो पाता, और अगर रोग अंकुरण के बाद लगता है तो अंकुरित हुआ पौधा मुरझाकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे पौधे अंकुरित होने से पहले ही क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? पिथियम डिबेरियनम, डिबेरियनम। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? दोस्तों ये कहा गया है वाटसन के कारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछेगा आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो तो मेंडल को कहा जाता है, लेकिन आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसके कारण कहा गया है? तो वो कहा गया है दोस्तों वाटसन के कारण। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? दोस्तों ये होता है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है, और इसे जो पहली बार प्रस्तावित किया था वो किया था जे.जे. वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, और इस काम के लिए दोस्तों इन्हें 1962 में नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, अब दोस्तों डीएनए हमारी बॉडी में कहां पर पाया जाता है? तो दोस्तों डीएनए की जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो केंद्रक में होती है। कहां पर होती है? केंद्रक में। लेकिन केंद्रक के अलावा भी दोस्तों इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलती है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है एंजिंग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों होता क्या, प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है जो कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बनती है, इसलिए इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है, ये कहते हैं एंजिंग को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? अब दोस्तों मरुद्भिद पौधे कौन से होते हैं? तो वे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं। कहां पर उगते हैं? शुष्क स्थानों में उगते हैं। ठीक है, वे मरुद्भिद कहलाते हैं, यानी कि मरुस्थलीय पौधे। ठीक, और दोस्तों ये पौधे जिन स्थानों पर उगते हैं वहां पर या तो
जल बहुत कम होता है या फिर ना नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों खासियत ये भी होती है कि यहाँ के जो पौधे होते हैं वो पानी का प्रयोग नहीं करते, और इसलिए वो किस में चिन्ह हो जाती हैं, पत्तियाँ कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कैक्टस वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, नागफनी का पौधा है, ठीक है, ये इनके उदाहरण होते हैं मरुद्भिद पौधों के, ठीक है। तो दोस्तों करील या करीर एक प्रसिद्ध कांटेदार झाड़ी है जिसमें पत्ते नहीं होते, ठीक है, और ये कंकरीली भूमि में उगने वाली एक झाड़ी है। तो जो मरुद्भिद पौधा है इसका उदाहरण हो जाएगा आपका करील, ऑप्शन सी। करील को दोस्तों करीर भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, एक ही बात है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसको माना जाता है, वो माना जाता है महासागर को, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपका पर्यावरण का भी प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी असंतुलन का जो एक मुख्य कारण है वो है वनोन्मूलन यानी कि वनों का नष्ट होना, ठीक है। और वन नष्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या को बढ़ने के लिए रहने के लिए निवास की जरूरत पड़ेगी, तो निवास कहाँ से बनेंगे, वो जंगलों को काट कर बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन जो सबसे ज़्यादा बिगड़ता है वो लकड़ी काटने से ही बिगड़ता है, अभी पीछे बता चुका है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमालयी पर्यावरण एवं विकास गोविंद बल्लभ पंत संस्थान ये अल्मोड़ा में सही है दोस्तों, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून सही है, भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कोलकाता गलत है, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों घटती उत्पादनशीलता के क्रम में जो सही क्रम है वो इस प्रकार से है, सबसे ज्यादा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमको मैंग्रोव में देखने को मिलेगा, और मैंग्रोव दोस्तों इसका विस्तार भारत में कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों वहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो पहला तो हमारा मैंग्रोव हो जाएगा, ये दोनों दोस्तों कट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर जो मिलेगा वो हमको मिलता है सबसे ज्यादा घास के मैदान में, उसके बाद झील और फिर उसके बाद सागर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रश्न जो है पिछले किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी की परीक्षाओं में स्पेशली पूछे गए हैं, और ना केवल एसएससी बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उन सब में यहाँ से अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।